हेलो बच्चों, लेट सी द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन सेज बिहाइंड अ थिन कन्वर्जिंग लेंस हैविंग बोथ द सर्फेसेस ऑफ सेम रेडियस 10 सेंटीमीटर अ प्लेन मिरर हैज बीन प्लेस्ड. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इज फॉर्म्ड एट द सेम पोजिशन. वॉट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक हमारे पास थिन कन्वर्जिंग लेंस है और उन दोनों उन उसकी जो दोनों रेडियस है वो क्या है, सेम है 10 सेंटीमीटर. उसके पीछे हमने एक प्लेन मिरर को रखा है. तो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि हमारा 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा था, वो उसी डिस्टेंस पे क्या बन रहा है, हमारी इमेज बन रही है. हमें बताना है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होगा. तो जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, इससे रेस पास होंगी, उसके बाद यहां से क्या हो जाएंगी, ये हमारी पैरेलल जाएंगी, राइट. और फिर यहाँ से वापस टकरा के ये इसी पाथ को रिट्रेस करेंगी और हमारी यहीं पे इमेज बन. जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 40 सेंटीमीटर पर रखा है और इमेज भी हमारा 40 सेंटीमीटर पर रखा है. तो जो उसका फोकल लेंथ हो गया वो कितना हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर, राइट. अब हम यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे. क्या होता है हमारा, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2. तो ये हो जाएगा 1/40 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, म्यू हमें निकालना है, 1/r. r कितना है हमारा 10 और r2 इधर r 10 है और ये वाला जो r होगा क्या होगा, ये हुआ हमारा -10. r1 है हमारा +10 और r2 हो जाएगा हमारा -10. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/40 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन 2/10. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा म्यू आ जाएगा कितना, 1 + 1/8, डेट इज 9/8. तो जो हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ गया वो कितना आ गया हमारा 9/8. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, इनमें से ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 9/8. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. थैंक यू.